गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम तीन डिफरेंट सेगमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मेनली तीन मेजर सेगमेंट में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो आज फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फर्स्ट सेगमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और इस सेगमेंट में हम ये तीनों सीरीज एक साथ लेंगे। द फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज एंड द थर्ड वन इज लेवरेजेस। मेनली ये दोनों चैप्टर्स सोर्स ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज समाउ इंटर रिलेटेड भी हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी सोर्सेज हमारे पास हैं उन सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, एंड देन हम देखेंगे कि उनके बेसिस पे कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कॉस्ट के साथ यदि रिस्क को एसोसिएट करके हमें कोई कॉम्बिनेशन डिजाइन करना है यूजिंग डिफरेंट सोर्सेस, तो उस कॉम्बिनेशन की डिजाइनिंग के लिए कितने हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या थियोरीज अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल के डिफरेंट सोर्सेस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल के डिफरेंट सोर्सेस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल के डिफरेंट सोर्सेस की यदि हम बात करते हैं, फंड्स के डिफरेंट सोर्सेस की बात करते हैं, मेजरली देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस, इक्विटी एंड डेट्स। लेकिन इंटरनली उनके डिफरेंट कंपोनेंट की तरफ जाएं तो इक्विटी में भी अलग अलग इंडिविजुअल सोर्सेज हमें मिलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। तो इंडिविजुअली एक एक सोर्स को लेंगे। हमारे पास फर्स्ट सोर्स डेट्स। डेट्स के अंदर डिबेंचर्स आ गया, लोन्स आ गया, दोनों। मतलब डेट्स का मतलब हमारे लिए ये है कि जहां पे भी हमें उस फंड्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना है, दैट आर डेट्स। जब डेट्स की कॉस्ट की बात करते हैं तो डेट्स पे कॉस्ट क्या लगती है, डेट की कॉस्ट क्या होती है? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्सेप्ट की बात पहले करेंगे, फॉर्मूलाज की बात बाद में। पहले डेट्स की कॉस्ट क्या होती है। यदि हम लोन बोरो कर रहे हैं या हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो हमारी डेट की कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट। दैट्स ऑल कॉस्ट बेटा, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हाट यू आर सपोज टू पे फॉर यूजिंग द फंड्स। यदि आप किसी का पैसा काम में ले रहे हैं तो आपको उस पैसे को काम में लेने के अगेंस्ट में क्या देना पड़ेगा, उनका पैसा तो वापस करना ही है, दैट इज द प्रिंसिपल, वो तो वापस देना ही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फंड्स मैंने लिया है तो उस फंड्स को यूज करने के अगेंस्ट में मुझे क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मुझे उन्हें क्या पे करना है उनका पैसा यूज करने के लिए। एज यू ऑल सेज इंटरेस्ट, फाइन, इट्स ओके, करेक्ट है। इंटरेस्ट हमें जब तक पैसा यूज करेंगे तब तक हम उन्हें रेगुलरली इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इंटरेस्ट ही हमारी कॉस्ट है? इफ आई से कि बैंक से मैंने एक लोन सैंक्शन करवाया टोटल ऑफ रुपीज से 10 लाख एट द रेट ऑफ 8%, शी इज गोइंग देयर। बैंक से हमने 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक लोन सेंक्शन करवाया, 10 लाख रुपीज का लोन लिया है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लोन क्या होगा, 8%। एट परसेंट ही होगा ना, अभी तो बोला हमने कि इंटरेस्ट इज द कॉस्ट।
तो जब मैं 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बोरो करके लेके आ रहा हूं तो मेरा लोन का कॉस्ट क्या होगा? 8%। बट यदि इसी चीज को प्रैक्टिकली थोड़ा सा और आगे लेके चलें और समझें, तो जब मैं लोन सैंक्शन करने गया था तो 10 लाख रुपीज की लोन सैंक्शन हुई। लोन ऐसे ही नहीं मिलती है, लोन के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है, आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक होती है, वैल्यूअर्स आते हैं, आपकी कोलेट्रल जो आप दे रहे हैं उस कोलेट्रल का वैल्यूएशन करते हैं, एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, उस पर लीगल कॉस्ट आती है, ये सारी फॉर्मेलिटीज स्टैम्प्स एंड ऑल, ये सारी कॉस्ट मैंने पे कर दी। और ये सारी कॉस्ट सपोज अमाउंट बढ़ा ले रहा हूं, सपोज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज मेरा खर्च हो गया और बैंक ने मेरा लोन सेंक्शन कर दिया और उन्होंने 9,90,000 रुपीज मुझे डिसबर्स कर दिए। तो मेरे बैंक में कितना कैश आया? 9,90,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में कैश आ गया। मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है? से 10% रेट है, मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है? मुझे इंटरेस्ट 10 लाख पे करना पड़ेगा। द सेंक्शन अमाउंट ऑफ लोन, नॉट द डिसबर्स्ड अमाउंट ऑफ लोन। आपका लोन सेंक्शन हुआ था 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज के सेंक्शन लोन में से 10,000 रुपीज आपका एक्सपेंसेस डिडक्ट होके आपके हाथ में इफेक्टिवली 9,90,000 रुपीज का कैश आया। लोन आपका 10 लाख रुपीज का है, यू आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट सेंक्शन अमाउंट ऑफ लोन दैट इज 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज पे 10% से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना पे किया मैंने? 1 लाख रुपी। आपकी रेट ऑफ, आपकी कॉस्ट ऑफ लोन कितनी है? कॉस्ट ऑफ लोन कितनी है? 10%। अब आंसर गलत हो गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ लोन 10% नहीं है। बेटा 9,90,000 तो लोन अमाउंट है, कॉस्ट परसेंटेज में आंसर चाहिए। हमने लोन सेंक्शन करवाया 10 लाख रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, हमारा लोन सेंक्शन हुआ, आई रिसीव्ड कैश डिसबर्स इन माय अकाउंट 9,90,000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना पे करना है? तो सर इंटरेस्ट 10 लाख रुपीज पे 10%, 1 लाख पे करना है। ओके, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ लोन? सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही कॉस्ट ऑफ लोन है? नो, नहीं है। क्यों यार? आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 1 लाख। और आप पैसा कितना काम में ले पा रहे हो? 9,90,000। इसका मतलब 9,90,000 रुपीज यूज करने के लिए आप 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो। मैंने आपको पहली लाइन क्या बोली थी? कॉस्ट किसे बोलते हैं? पैसा यूज करने का कितना आप उसे रिटर्न दे रहे हो? आप पैसा कितना यूज कर पा रहे हो? 9,90,000 दैट यू गॉट इन योर हैंड इन फॉर्म ऑफ कैश, एंड फॉर यूजिंग 9,90,000 यू आर पेइंग 1 लाख रुपी एज इंटरेस्ट। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कॉस्ट क्या है। तो सर मेरी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपी, मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपी। कितना पैसा यूज करने की कॉस्ट है ये? 9,90,000 यूज करने के लिए मैं 1 लाख रुपी पे कर रहा हूं, मेरा रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट क्या है? एंड पॉइंट ये आ रही है मेरी कॉस्ट। कॉस्ट इस चीज से डिसाइड नहीं होती है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट इस फैक्ट से डिसाइड होती है कि व्हाट यू आर पेइंग एंड फॉर व्हाट यू आर पेइंग। आप क्या पे कर रहे हो और आप किसके लिए पे कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? मैं 9,90,000 रुपए ही यूज कर रहा हूं, उसके लिए आप क्या पे कर रहे हो? उसके लिए मैं 1 लाख पे कर रहा हूं। तो मेरा कॉस्ट सेंक्शन या डिसबर्स्ड या फाइनलाइज्ड अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा, मेरा कॉस्ट इंटरेस्ट उसी पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन मेरा इफेक्टिव कॉस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है? जितना मनी आप पे कर रहे हो और जितना मनी यूज कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
है, फॉर्मूले में मैं लिखता तो 1 मिनट में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाती है चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि कॉस्ट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू फैक्ट्स। फर्स्ट, व्हाट रिटर्न यू आर पेइंग टू द फंड प्रोवाइडर एंड व्हाट अमाउंट एक्चुअली यू आर यूजिंग, उनसे हमारा कॉस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, बट मैं यहां पे फिर बात कर रहा हूं इफेक्टिव कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट? इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब क्या सर? इफेक्टिव कॉस्ट आई एम पेइंग 1 लाख? नहीं भाई, अभी एक और इसमें पॉइंट है, एक पॉइंट और आ रहा है। वो क्या? आपने लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल अलाउएबल एक्सपेंडिचर और नॉट? हु आर स्टडिंग टैक्स, उन्हें पता है अलाउएबल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। जिन्होंने बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ लिया है इनकम टैक्स में, दे नोज कि व्हाट इज अलाउएबल एक्सपेंसेस। अलाउएबल बिजनेस में अलाउएबल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसे आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आपके प्रॉफिट पे टैक्स देना है, कौन से प्रॉफिट पे टैक्स देना है? प्रॉफिट अर्न लेस ऑल अलाउएबल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस इनकम टैक्स बोलता है कि हाँ ये खर्चा हटा दो, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स देने का है। डिप्रिसिएशन बोले हाँ माइनस कर लो, बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स देना है। लोन पे इंटरेस्ट, हाँ सर माइनस करो, खर्चा है आपका, इसके बाद बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स देना है। तो ये जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इट इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर। एंड इफ इट इज अलाउएबल, इसका मतलब ये इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स कम हो गया। हम इफेक्टिव कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव का मतलब हमें सीधा ये देखना है कि जेब पे फर्क कितना पड़ा मेरे, मेरी जेब पे कितना असर पड़ा लोन लेने का। मान लीजिए मैंने लोन नहीं लिया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन नहीं लिया था और मेरा प्रॉफिट हुआ था 5 लाख रुपीज, मेरा प्रॉफिट था 5 लाख रुपीज, मैंने कोई लोन नहीं लिया था और मैं 30% के टैक्स लैब में आता हूं, तो मुझे 5 लाख रुपीज पे 30% 1,50,000 का टैक्स देना था। आई वॉज पेइंग इट, बट जैसे ही मैंने लोन लिया, लोन लेने की वजह से मुझे एक, अभी यहां पे सिर्फ जेब की कैश सोचना, आपकी जेब में से कैश कितनी जा रही है, अभी लोन नहीं लिया हुआ है, आपकी जेब से टैक्स की कैश जा रही है, कितनी जा रही है? 150। अब मैंने लोन ले लिया, लोन लेने पे लोन का इंटरेस्ट पे करना है कितना? 1 लाख। जैसे मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, उन्होंने मेरा प्रॉफिट में उसे अलाउएबल एक्सपेंस माना, मेरा अब प्रॉफिट कितना बचा? 4 लाख रुपए, और उस 4 लाख के लोन पे अब मुझे टैक्स देना रहेगा 1,20,000। देखो क्या हुआ, 30,000 रुपीज का आपका टैक्स बेनिफिट हो रहा है। एक्यूमुलेटली सोचो, विदाउट लोन इंटरेस्ट कॉस्ट वॉज 0, बट आउट ऑफ पॉकेट टैक्स कितना जा रहा था? 150। आफ्टर टेकिंग लोन टैक्स जा रहा है 120, इंटरेस्ट जा रहा है 1 लाख, जेब से टोटल कैश पेमेंट कितनी हुई? 220 हुई ना। पहले 1.5 लाख रुपए जेब से जा रहा था टैक्स का, अब जा रहा है जेब से 1 लाख इंटरेस्ट और 1,20,000 टैक्स का, जेब से कैश कितनी कम हुई आपकी? 220 ही कैश कम हुई जेब से। अब जेब से कैश 220 कम हुई, पहले जेब से कैश जा रही थी 150, कितनी एक्स्ट्रा जेब से कैश निकली है? 70,000 रुपीज ही एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, अपनी पॉकेट में कैश लेके घूम रहे हो, उस कैश में से आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना था, पहले इंटरेस्ट था नहीं, आप सिर्फ टैक्स पे करके आ रहे थे 1.5 लाख रुपए। अब लोन ले लिया, लोन लेने की वजह से आपको ये प्री एंड पोस्ट वाली बात करते हैं, चलिए प्री एंड पोस्ट। पहले क्या था, इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, अब कितना दे रहे हो? पहले टैक्स कितना दे रहे थे, अब टैक्स कितना दे रहे हो? टोटल कैश पेमेंट आउट ऑफ योर पॉकेट, टोटल कैश पेमेंट आउट ऑफ योर पॉकेट, जेब से कितना एक्स्ट्रा कैश निकला आपके? जेब से 70,000 ही एक्स्ट्रा गया ना, कैश पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जेब से कैश कितना एक्स्ट्रा निकला? 70,000 ही जेब से एक्स्ट्रा गया ना।
और ये 70,000 एक्स्ट्रा किस लिए गया, क्या चेंज आया दोनों सिचुएशन में? 9,90,000 का लोन ले लिया है मैंने, 9,90,000 का लोन मेरी जेब में आया है, और मेरी जेब से एक्स्ट्रा कैश कितना जा रहा है? 70,000। तो लोन की कॉस्ट 1 लाख कैसे हुई? 9,90,000 रुपए जो आप यूज कर रहे हो, उसको यूज करने के लिए जेब पे असर कितना पड़ा? 70,000 का ही तो असर पड़ा। तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लोन 70,000 डिवाइडेड बाय 9,90,000 होनी चाहिए ना। सेवन पॉइंट 07%। लॉजिक समझ रहे हैं? हम इफेक्टिव कॉस्ट की बात करते हैं हमेशा, इफेक्टिव, क्योंकि फाइनेंस की बात कर रहे हो यार, लेमेन नहीं है हम। अब हम प्रोफेशनली सोच रहे हैं, और प्रोफेशनली सोचते हैं तो हर चीज का प्लस माइनस सोचना पड़ेगा आपको कि यार लोन लेके, लोन ले लो, ले लो कितना, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% बहुत महंगा है। अरे नहीं पड़ेगा 10% आपको, आपको 10% का कॉस्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट 7% का कॉस्ट लग रहा है यार, सब्जेक्ट टू योर कमिंग इन अ टैक्स ब्रैकेट। टैक्स तो जा रहा है ना आपकी जेब से, बोला हाँ लोन लोगे टैक्स बच जाएगा। मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ। हाँ, मैं क्लाइंट को पोर्टफोलियो सजेस्ट करता हूँ। तो एक क्लाइंट थे, टीचर थे, अच्छा सैलरी अर्न कर रहे थे, 30% के टैक्स स्लैब में भी आती थी उनकी सैलरी, 152 लाख के आसपास पर मंथ थी। उनको हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट किया मैंने, मैंने कहा डू वन थिंग, टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। बोले चलो यार आप बताओ कौन सी कंपनी का। तो मैंने एक दो कंपनी का सजेस्ट किया, बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के दिया। एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जो मुझे बहुत परफेक्ट लगा उनकी अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, एंड आई सजेस्ट दैट, उसका प्रीमियम था 33,000 पर ईयर, विच इज बहुत महंगा है यार, 35,000 एक्चुअली, हाँ 35,000, बहुत महंगा है 35,000 का प्रीमियम। इतना तो साल में मेरा बीमारी का खर्चा भी नहीं हो पाएगा, यदि कभी होगा तो 3 साल में 1 लाख रुपए दे दूंगी, 3 साल में कभी बीमारी पड़े तो 1 लाख रुपया। मैंने कहा देखो वो एक अलग मैटर है, खर्चा होने का होगा, बीमारी का तो 10 लाख भी हो जाएगा, उस चीज को छोड़ देते हैं, बट ये महंगा नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा मैं आपको, आपको 35,000 पे नहीं करना है। बोले तुम ही तो बता रहे हो प्रीमियम 35,000 रुपीज आ रहा है। मैंने कहा नहीं, आपको 3,000 रुपये रिफंड आएगा, मतलब आपकी जेब से 35,000 नहीं लगेगा, इफेक्टिवली आपकी जेब में 2,000 बचेगा। मैं लेमेन की तरह नहीं सोचने का, प्रोफेशनल की तरह, फाइनेंस पर्सन की तरह सोचो। बोले कैसे, एक्सप्लेन मी। 35,000 रुपीज का प्रीमियम पे करोगे सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 25,000 का रिबेट मिलता है, 25,000 तो वहां क्लेम कर देना, जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 रुपीज पे कम हो जाएगी। प्लस आप अपने आप को हेल्दी रखना, उस पॉलिसी में एक ऐसा फीचर है जिसमें आप वॉक करते हो तो आपको रिफंड आती है। बोले मैं तो रोज वॉक करती हूँ, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर। मैंने कहा हो गया काम, 70% प्रीमियम विल रिफंड बाय द कंपनी। बोले 21,000 रुपये का रिफंड आ जाएगा, 21,000 रिफंड आ गया, 30% टैक्स ब्रैकेट की वजह से 25,000 के प्रीमियम पे 30%, 7,500, 29,000 तो मैंने आपको वापस मिल रहे हैं। जेब से कितना लगा? सिर्फ 6,000, और वो भी टैक्स का है क्योंकि 18% जीएसटी है। तो आप सिर्फ जीएसटी पे करके पूरा प्रीमियम यूज कर रहे हो, पूरी पॉलिसी लेके चल रहे हो 5 लाख रुपए। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग? द इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि आपको उसके सारे बेनिफिट्स लॉसेस सब इनकॉर्पोरेट करके फाइनली आपकी जेब से क्या निकल रहा है इन एडिशन, वो देखना है। तो डिबेंचर या लोन यदि लेते हैं तो लोन पे पहला तो क्या फैक्ट देखना है, पे कितना कर रहे हो, मिला कितना। दूसरा क्या फैक्ट देखना है, उससे टैक्स कितना बच जाएगा। तो टैक्स बचा तो वो भी कैश कम हुआ ना, और वो इंटरेस्ट है इसीलिए टैक्स बचा ना, वरना तो 1,50,000 रुपये दे ही रहे थे ना, यदि इंटरेस्ट नहीं होता तो 1,50,000 रुपए का टैक्स दे ही रहे थे ना। इंटरेस्ट आ गया, इस वजह से टैक्स अमाउंट कम हो गया, तो गवर्नमेंट की जेब में 30,000 कम जा रहा है। तो ये मान के चलो कि जा रहा है, इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है।
तो कॉस्ट ऑफ डेट, इसको फॉर्मूले पे यदि मैं कन्वर्ट कर दूं, कॉस्ट ऑफ डेट को हम प्रेजेंट करते हैं के डी से। डिबेंचर्स भी दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल इररिडीमेबल, पढ़ा होगा बचपन में। रिडीमेबल का मतलब रिडीमेबल डेट्स का मतलब रिडीमेबल डेट्स का मतलब होता है जिनका रीपेमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद करना होता है, और वो टाइम पीरियड एट द टाइम ऑफ इश्यू ही डिसाइडेड होता है। और इरिडीमेबल का मतलब परपीचुअल डेट्स, परपीचुअल डेट्स का मतलब जिनका रीपेमेंट कब करना है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो पहले मैं यहां बात कर रहा हूं इरिडीमेबल की। इरिडीमेबल डेट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। आई का मतलब यहां पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होगी, फेस वैल्यू पे। जितना सेंक्शन हमें, जैसे 10 लाख का लोन था 10 लाख पे, डिबेंचर यदि 1000 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर है तो 1000 रुपीज पे, चाहे आपने वो इशू 1100 में किया हो या 900 में किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का मतलब व्हाट कैश अमाउंट यू गेट, आपके हाथ में कैश कितना आया, नेट कैश रिसीव्ड। नेट प्रोसीड का मतलब नेट कैश रिसीव्ड। नेट प्रोसीड का मतलब हो गया नेट कैश रिसीव्ड, कितना नेट कैश रिसीव होगा हमें। सबसे पहले होगी आपकी इश्यू प्राइस, आप किस प्राइस पे इश्यू कर रहे हो, इश्यू प्राइस में से हम माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस में से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे आपने इश्यू किया, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब इश्यू से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, जैसे इसमें 10,000 रुपये लगे थे हमारे खर्चे, वो माइनस करेंगे तो वो हमारा नेट कैश रिसीव्ड हमारे हाथ में आएगा। इश्यू प्राइस का मतलब क्या है, इश्यू प्राइस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आपको गिवेन होगा। इश्यू हम किस पे कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे कर सकते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे कर सकते हैं। इश्यू हम फेस वैल्यू पे कर सकते हैं या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो व्हाटएवर इश्यू प्राइस इज देयर वो आपको गिवन होगी, या तो इशू प्राइस फेस वैल्यू होगी या इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगी, आपको दिया हुआ होगा। सर इशू प्राइस गिवन ही नहीं है, बोल रहे हैं डिबेंचर इशू किया बस, ऐसे कैसे हो सकता है इशू प्राइस नहीं दिए, नहीं दिए सर। तो इशू किस पे करोगे सर, मार्केट में जिस प्राइस पे इन्वेस्टर लेने को तैयार होगा उस प्राइस पे करेंगे। मार्केट में इन्वेस्टर किस प्राइस पे आपके डिबेंचर को अक्वायर करने के लिए रेडी करेगा, जो मार्केट प्राइस चल रही होगी। तो यदि इश्यू प्राइस गिवन नहीं है तो वी विल यूज मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इश्यू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे किया हमने, मेरे पास कैश कितनी आई। आप 1000 रुपीज का डिबेंचर 1100 में इशू कर रहे हो तो आपको कैश कितनी मिलेगी। हमारा फोकस किस चीज पे, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट कैश अमाउंट यू रिसीव। तो यदि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपके हाथ में कैश कितनी आएगी,
1100। यूज कितनी करोगे? 1100। यूज भी तो 1100 ही करोगे। डिस्काउंट पे इशू करते हो? डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं ना, वो मैंने नहीं लिखा, सॉरी। इट कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट ऑल्सो। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे? इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, इंटरेस्ट तो ऑलवेज फेस वैल्यू पे करेंगे। लेकिन नेट प्रोसीड का मतलब है कैश डिसबर्स्ड, कैश रिसीव्ड, नेट कैश रिसीव्ड। यदि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, 1000 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो आपके हाथ में कैश कितनी आई? 1100। आप कितना कैश यूज करोगे थ्रू आउट द पीरियड? 1100। तो 1100 का बेनिफिट कैश मिल रहा है ना। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, सपोज 100 रुपीज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, कैश कितना आया? 900। तो 900 पे कॉस्ट कैलकुलेट होगी। लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे करना है। इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे करना है, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। लेकिन कैश डिस्पर्स यानी कैश रिसीव्ड है, वो आपको अकॉर्डिंगली देखनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर इशू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं सारे इशू एक्सपेंसेस, नाम कुछ भी रखाओ। फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं इशू एक्सपेंसेस, नाम कुछ भी हो, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस चार्जेस, ब्रोकिंग, कमीशन, जो भी नाम दिया है। इशू करते वक्त कितना खर्चा हुआ, लीगल चार्जेस, जिस भी नाम से दिया हो, इशू एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, उस पर एक चीज ध्यान रखने का कोशिश करें, सारी कैलकुलेशन पर डिबेंचर करें। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, एक डिबेंचर की इशू प्राइस, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट और एक डिबेंचर का ही इशू एक्सपेंसेस। एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे जाके कैलकुलेट ना करें, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। तो पर डिबेंचर कैलकुलेशन होगी हमारी सारी। तो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट पर डिबेंचर इफ इट इज पॉसिबल। जैसे लोन है, लोन में पर डिबेंचर नहीं हो सकता ना, लोन तो पूरा लोन अमाउंट होता है, 10 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, तो वहां तो टोटल पे करनी पड़ेगी। लेकिन डिबेंचर्स हो तो कोशिश करें पर डिबेंचर कैलकुलेट करें, तो वो इजी रहेगा। अभी सिर्फ इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पाएंगे तो चीज समझेंगे। टी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, टी इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। आई यानी जो हम पे कर रहे हैं, एनपी जितना हमें मिला उससे कॉस्ट निकाल लिया, और फिर उस पर हमें मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, तो उसको आफ्टर टैक्स बना दिया, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके। 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करने से ये जो कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। अब इस आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। वंस वेन एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, वो हमेशा बिफोर टैक्स होती है। 10% का लोन मिला, 10% डिबेंचर है, तो 10% क्या है? बिफोर टैक्स इंटरेस्ट की अमाउंट है सिर्फ, ये इंटरेस्ट की रेट है। लेकिन हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट हमेशा कौन सी होती है? आफ्टर टैक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बिफोर टैक्स दी होती है, लेकिन हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट हमेशा कौन सी यूज करते हैं हम? आफ्टर टैक्स यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि हमें यहां पे बिफोर टैक्स दिया है या आफ्टर टैक्स दिया है। इफ क्वेश्चन सेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्लियर है इट इज बिफोर टैक्स। इफ यू वांट टू यूज इट एज कॉस्ट, तो इसे कन्वर्ट कर दो किसमें? आफ्टर टैक्स में। इफ क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, ये आफ्टर टैक्स है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आफ्टर टैक्स होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बिफोर टैक्स होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है तो वो बिफोर टैक्स है, और यदि कॉस्ट ऑफ डेट बोला जा रहा है तो वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। एंड हमें कौन सी चाहिए?
सर हमें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर टैक्स चाहिए और इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर टैक्स चाहिए। यदि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो बिफोर टैक्स माल रेट होनी चाहिए आपके पास, और आपको सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिर्फ बोला जाए इस लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है। कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, इंटरेस्ट अमाउंट बताओ, तो 8% इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 8% क्या है? आफ्टर टैक्स। आपको इंटरेस्ट के लिए बिफोर टैक्स चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म की वजह से सब गड़बड़ हो सकता है, तो ये टर्म ध्यान रखें। बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स और आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में स्विच करने का तरीका बहुत ईजी है। बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में जाना है तो 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो, और आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे आना है तो 1 - t से डिवाइड कर दो। तो यहां हमें इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स लेके जाना था, मैंने 1 - t से मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि कभी मुझे कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे लाना है तो 1 - t से डिवाइड। ये हमेशा याद रखना, हर जगह एप्लीकेबल चीज है ये, कि आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स पे लाना है तो 1 - t से डिवाइड करना है, बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स पे लेके जाना है तो 1 - t से मल्टीप्लाई करना। हमें कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही चाहिए, इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही होती है। यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं, 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच इश्यू एट 10% प्रीमियम ब्रोकरेज 2% अदर एक्सपेंसेस ₹50,000 टैक्स रेट 30% कॉस्ट कैलकुलेट कर। ठीक है, देखते हैं। पहले तो ये डिबेंचर रिडीमेबल है क्या? सर रिडम्पशन के बारे में कोई लाइन ही नहीं लिखी है कि कब रिडम्पशन करना है, कब रीपेमेंट करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं लिखा है। जब रिडम्पशन की टर्म डिसाइडेड नहीं है तो ये रिडीमेबल नहीं है, ये इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल है तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट यानी KD, कॉस्ट ऑफ डेट होता है I/NP मल्टीप्लाई बाय 100 1 - t। आई स्टैंड फॉर कितना इंटरेस्ट रेट है, टेन परसेंट डिबेंचर के आगे लिखा होता है इंटरेस्ट रेट हमेशा, तो इंटरेस्ट रेट 10% किस पे कैलकुलेट होगा, किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे। ऑलवेज सोचने का है ही नहीं, फेस वैल्यू है 1,000 1,000 1,000। 10,000 आया कहीं से मेरे को? वो क्या है, कोरस में आप गा लो लेकिन वो बिगड़ा हुआ एक सुर कान पकड़ ही लेता है। तो 1,000 rupees फेस वैल्यू पे 10%, 100 rupees का इंटरेस्ट हो गया एक डिबेंचर का ना, पर डिबेंचर ही बात कर रहे हैं हम। दूसरा हमें चाहिए होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कैश कितना हाथ में आया। तो सर कैश कितना हाथ में आया? कैश होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट।
पहले तो इशू प्राइस देखें, इशू प्राइस क्या है, किस प्राइस पे इशू कर रहे हो आप। सर 1000 रुपीज़ का डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे, यानी 100 रुपये के प्रीमियम पे, यानी 1100 में इशू कर रहे हैं। कोई शक? डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000 और इशू में बोला है इशूड एट 10% प्रीमियम, तो 1000 रुपीज़ पे 10% यानी 100 रुपीज़, यानी 1100 में हम इशू कर रहे हैं। कोई डाउट है? नो। पक्का ना? एक इतना सा भी डाउट हो ना, आप बात करते हुए चले गए, छोटा सा भी डाउट रह गया वो बहुत बाद में परेशान करता है। तो इतना सा भी डाउट हो आप बात करते हुए चलिएगा, तो 1100 में इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, 1100 में इशू करने के बाद लेस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लग रही है सर? दो कॉस्ट लग रही है, एक तो ब्रोकरेज लग रहा है 2% का, और एक 50,000 रुपीज़ का अदर एक्सपेंसेस लग रहा है। 2% का ब्रोकरेज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ब्रोकरेज वो फेस वैल्यू पे ले रहा है, तो 2% का ब्रोकरेज लग रहा है, तो ब्रोकरेज कितना लग गया? ब्रोकरेज 1000 रुपीज़ पे 2%, 20 रुपीज़ तो ब्रोकरेज लग गया। अदर एक्सपेंसेस कितने लग गए? 50,000। पूरा माइनस कर दूं 50,000? 1100 रुपये में से 50,000 कैसे माइनस करोगे यार, पागल हो क्या? बिल्कुल कैसी बातें कर लेते हो। अरे 50,000 पूरे डिबेंचर का है, कैलकुलेशन सारी पर डिबेंचर चल रही है, कैलकुलेशन पर डिबेंचर चल रही है। 50,000 की कॉस्ट कितने डिबेंचर्स पे लग रही है? 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो 10,000 डिबेंचर पे लग रही है 50,000 की कॉस्ट, तो पर डिबेंचर कितना लगा? 5 रुपीज। हर पॉइंट का जो मैं बोल रहा हूं, हर वर्ड जो मैं बोलूंगा उसका सेंस है। पर डिबेंचर मतलब एवरी कैलकुलेशन एक डिबेंचर के हिसाब से होगा। 2% बोला मैंने डिबेंचर की, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू पे निकाल दिया। 50,000 बोला, एक डिबेंचर का 50,000 होगा क्या? ये तो लॉजिकली एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। एक डिबेंचर पे 50,000 थोड़ी खर्च किए होंगे, पूरे इशू पे 50,000 खर्च किए होंगे। पूरा इशू कितने डिबेंचर का है? 10,000 डिबेंचर का है, तो एक डिबेंचर पे कितना खर्चा आ रहा है? 5 रुपये। तो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट 25, यानी नेट प्रोसीड मिल रहा है आपको 1075। कैलकुलेशन देखो आराम से, कोई डाउट हो तो बोलो, उसके बाद आगे बात। ट्वेंटी प्लस फाइव, टेक योर टाइम, नो आई एम नॉट इन हरी। आप चेक करके कंफर्म करके बताओ, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई कोई भी डाउटफुल कैलकुलेशन आपको लग रहा है, यू कैन आस्क मी। पर डिबेंचर 5 रुपीज टू अदर एक्सपेंसेस पर डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर पे 50,000 रुपये लग रहे थे, एक डिबेंचर पे 5 रुपये हो गए। कोई भी कैलकुलेशन डाउटफुल है? नो? सेटिस्फाइड? चलो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। आई था हमारा 100, नेट प्रोसीड था 1075, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। गो एड, यूज योर कैलकुलेटर। पास भी है, इट्स 6.51।
कैलकुलेटर चलाना सीखना है? हाँ, क्या देखना है इसमें, क्या सीखने का है? करो टाइप जल्द, मैं बता रहा हूं। 100 डिवाइडेड बाय 1075, जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखने का है, बच्चों वाला कैलकुलेशन का तरीका नहीं चलेगा। 100 डिवाइडेड बाय 1075, परसेंटेज का बटन दबाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं। आ गया, दबा दिया परसेंटेज का बटन। उसके बाद किसे मल्टीप्लाई करना है? 1 माइनस 0.3 का मतलब 0.7, तो मल्टीप्लाई बाय 0.7, 6.51। क्या बात कर रहे हो यार, चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो बड़ी खुशी की बात है, ये आ गया कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेटर को स्पीडली यूज करने का तरीका आना जरूरी है, तो कैलकुलेटर आप प्लीज डेली कैरी करेंगे, ताकि मैं आपको बीच बीच में इसके यूजेस बताता चलूंगा। क्लियर? ऑल सेट? एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ₹10 लाख बोरोड एट द रेट ऑफ 8% पर अनम टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। सोचो, सोच के बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइव पॉइंट सिक्स, ओके, एनीवन एल्स? अभी इसमें आप क्या सोच रहे होंगे, आई अपॉन एनपी इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी, आई यानी इंटरेस्ट, सर फेस वैल्यू गायब है, तो 10 लाख का अमाउंट दे रखा है ना लोन का, वही फेस वैल्यू होगी। इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 10 लाख का लोन लिया है, इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 8% 10 लाख पे दोगे, तो 10 लाख का 8% 80,000। कैश हाथ में कितना आया? पूरा 10 लाख, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है खर्चे वर्चे की, नेट प्रोसीड क्या हो गया? 10 लाख। अब इसे फॉर्मूले से सोचने जाओगे ना, तो आप ढूंढते रहोगे आई कहां से निकालूं, फेस वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू कहां है, एनपी कैसे निकालूं, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन इशू प्राइस कहां है, नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट पे। मैंने एक ही लाइन बोला था स्टार्ट में, वहीं पे वापिस आ जाता हूँ। फॉर्मूला डिजाइन किया होता है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, क्या कॉस्ट निकलती है इंटरेस्ट की और किस पे निकलती है, जितना कैश मिला। इंटरेस्ट किस पे दोगे? 10 लाख पे 80,000। कैश कितना मिला?
10 लाख पूरा, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी, 5.6%। कैलकुलेटर होगा तो यूज करवा देता हूं, मोबाइल पे करो। 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, अरे इसको क्यों कैलकुलेट करना है पागल है हम, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख को कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, सिली चीज है। 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख तो अभी 8% ही आने वाला है, आ रहा है ना वापिस 8% ही। 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 वापिस 8% ही आ रहा है, तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो 8%। 1 माइनस टैक्स रेट 5.6%। सोच बदलो दुनिया बदलेगी, फॉर्मूले पे नहीं चलने का है, लॉजिक पे चलने का है। 8% इज द इंटरेस्ट रेट। सर कॉस्ट वेरी वेरी कब करती है, इंटरेस्ट रेट से कॉस्ट वेरी कब करती है, इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट में डिफरेंस कब आता है, जब फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, जब खर्चा लगता है, पैसा कम हाथ में आता है, जितना अमाउंट का लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना है, और जो कैश हाथ में आई वो भी वही है, तो मेरी कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है, वो 8% लगेगा। सीधा 8% को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें परसेंट मत लगाना, 8 इंटू 1 माइनस टी, और आगे परसेंट वहां से हटा के वापस लास्ट के रिजल्ट में रख देंगे। 8 को 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 0.3 यानी 70%, 8% का 70%, 5.6% इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर हुआ? मैं दो चीज आपको यहां से समझ में आ रही है, यदि फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सब समथिंग कुछ है तो पूरे प्रोसीजर से जाओ, और यदि कुछ नहीं है तो सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस, क्लियर? समझ में आया ना लॉजिक? पूरी कोशिश हम लॉजिक पे जाने की करेंगे, नहीं तो लास्ट में फॉर्मूला तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बात हुई थी आपकी रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट की, यानी जिसका रिडम्पशन कब करना है वो हमें मालूम नहीं है, कैसे करना है मालूम नहीं है, किस प्राइस पे करना है मालूम नहीं है। अब मैं बात करूंगा रिडीमेबल डेट की, क्या फर्क पड़ता है यार इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट में। रिडीमेबल में ये पता होता है कि सर रिडम्पशन कब करेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या कॉस्ट चेंज हो जाएगी क्या। 10 साल बाद रिडम्पशन कर रहे हो तो क्या हुआ, हर साल इंटरेस्ट तो पे करोगे ही ना, तो उससे क्या कॉस्ट चेंज हो जाएगी क्या। हाँ कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैसे? डिबेंचर इशू किया 1,000 रुपए का, खर्चा वर्चा कट के हाथ में आया 990 या 950, रीपे करेंगे 10 साल बाद, कितना रीपे करोगे, इंटरेस्ट तो बेटा हर साल देना है, लोन रीपे कितना करोगे, जितना लिया या जितना मिला, जितना लिया जितना मिला वो नहीं, जितना लिया वो रीपे करोगे। 10 लाख का लोन लिया, खर्चा वर्चा काट के 9,50,000 हाथ में आया, इंटरेस्ट किस पे जा रहा है, 10 लाख पे। कैश कितना यूज कर रहे हो, 9,50,000, रीपे कितना करोगे, 10 लाख रीपे करोगे। तो लिया जब 950 और रीपे कर रहे हो तो 10 लाख, 50,000 रुपए खुद की जेब से लगे, कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा। डिबेंचर इशू करते हैं फेस वैल्यू पे या किसी भी प्राइस पे, रिडम्पशन किस प्राइस पे होता है, किसी पे भी हो सकता है, फेस वैल्यू पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है।
तो यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो जेब से एक्स्ट्रा पैसा दोगे, रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा दोगे, तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको डिबेंचर का पैसा यूज करना है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है कि भाई 1,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, रीपेमेंट 1,050 देंगे, तो वो अट्रैक्ट हुआ कि इंटरेस्ट तो हर साल मिलेगा और रिडम्पशन पे 50 रुपए ज्यादा मिलेगा प्रीमियम का, चलो ले लेते हैं। तो 50 रुपए वन टाइम आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई, वन टाइम कॉस्ट है, ये हर साल नहीं देना है, इंटरेस्ट हर साल देना है, और ये 50 रुपए एक बार देने ईयर एंड पे। गाइस एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके तो जो मैंने बात बोली वो क्लियर हुई क्या? यदि हमें मालूम है कि हमें रिडम्पशन कब करना है और किस प्राइस पे करना है, तो हो सकता है कि हम रिडम्पशन ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो, और ज्यादा प्राइस पे करेंगे तो हम कुछ ज्यादा पे कर रहे हैं, और वो जो ज्यादा पे कर रहे हैं वही तो मेरी कॉस्ट ही है, वही तो मेरा खर्चा है, वो वन टाइम है, एक ही बार देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट हर साल और वो वन टाइम, तो मैं उस वन टाइम पेमेंट को भी उस लाइफ में डिवाइड कर देता हूँ। मान लो 1,000 का डिबेंचर, 100 रुपये इंटरेस्ट देना है हर साल, और रिडम्पशन कर रहा हूं 100 रुपये प्रीमियम पे, तो 10 साल बाद कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? 100 रुपीज प्रीमियम का, वो 100 रुपीज वन टाइम है, डिबेंचर यूज कितने साल की है? 10 साल, तो उस 100 रुपीज को 10 साल में डिवाइड कर दूं तो हर साल कितना हो गया? 10 रुपये, यानी एवरी ईयर इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपए इंटरेस्ट, 10 रुपए वो लास्ट में देने वाला प्रीमियम, टोटल 110 रुपीज, ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आएगी 110। फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, फॉर्मूला है आई प्लस यहाँ एक टर्म नहीं आ रही है, एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू,
एमवी स्टैंड फॉर मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब जब मेच्योर होंगे तब किस प्राइस पे मेच्योर होंगे, यानी रिडम्पशन होगा तो किस प्राइस पे रिडम्पशन होगा, यानी रीपेमेंट आप कितना करोगे, यूं समझ लो। क्या हो सकती है मेच्योरिटी वैल्यू? या तो फेस वैल्यू पे रीपेमेंट करोगे या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे रीपेमेंट करोगे। कभी भी डिस्काउंट पे रीपेमेंट नहीं होता। क्या चाहिए आपको? और कौन? पिन थोड़ी रखूंगा मैं तो, मुझे लगा वो मोबाइल से जैकेट निकालने का। है हाँ, सेफ्टी पिन चलेगी ना, छुपाने का है किसी को। तो फॉर्मूला समझ में आ गया? नहीं, मेच्योरिटी वैल्यू है तो फेस वैल्यू होगी या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगी। मेच्योरिटी कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकती, ध्यान रखना। मैं इन्वेस्टर को बोलते हो 1,000 रुपये तो वापस 900 दूंगा, पागल समझाए क्या भाई? इश्यू 1,000 रुपये कर रहे हो, रिडम्पशन डिस्काउंट पे, कौन देगा पैसे? तो ये हमेशा प्रीमियम पे या फेस वैल्यू पे होगा। एन है नंबर ऑफ ईयर्स, अब इसमें 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स भी तो करना है इसको, तो एक थोड़ा सा इसमें सो कॉल्ड कंफ्यूजन है, एम्बिक्यूटी बोल लीजिए या कुछ भी। ये जो 1 माइनस टी है ना, ये 1 माइनस टी यहाँ आई पे आएगा या पूरे पे आएगा, मतलब टैक्स बेनिफिट पूरे पोर्शन का मिलेगा या टैक्स बेनिफिट सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन का मिलेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, सबने अपना अपना दिमाग यूज किया है। कोई कहते हैं कि नहीं, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वही टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस है। कोई कहते हैं कि नहीं, जो प्रीमियम लास्ट में पे करोगे ना वो भी टैक्स अलाउएबल है। यदि वो भी टैक्स अलाउएबल है तो पूरे पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और यदि सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स अलाउएबल है तो सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो करेंटली मुझे जहां तक आपके स्टडी का ध्यान है, उन्होंने पूरे पे 1 माइनस टी यूज किया है। प्रीमियम पेड वो भी टैक्स डिडक्टेबल है, तो इसे पूरे पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेन थाउजेंड 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1,000 ईच, इश्यूड एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% एट 10% प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट 50 रुपीज पर डिबेंचर। टैक्स रेट 30%। आई आई बोलो, आई आई 10% किसका? 1,000 का फेस वैल्यू का 10%, 1,000 फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो आई हो गया 100।
ओके, नेट प्रोसीड कितना मिला? एनपी बोलो, नेट प्रोसीड कितना मिला? सर इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। इशू प्राइस है 1000 के डिबेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 950। कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 माइनस 5% दबाओगे सीधा। नॉर्मली आप करते हो 5% निकाल के फिर उसे माइनस करते हो, नहीं, 1000 माइनस 5% दबा दो सीधा रिजल्ट आ जाएगा। यू विल गेट 950। 1000 माइनस 5% आ गया। अभी लेस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना लग रहा है? 50 रुपीज़ दे रखा है सीधा सीधा क्वेश्चन में पर डिबेंचर, तो नेट प्रोसीड हो गया 900। बोलो, कोई शक होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? अभी नंबर ऑफ इयर्स 5, मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू क्या पे करेंगे? मेच्योरिटी वैल्यू क्या पे करेंगे? मेच्योरिटी वैल्यू कितने पे रिडीम कर रहे हैं हम? हम रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, यानी 1000 रुपीज की फेस वैल्यू को, डिबेंचर को 10% प्रीमियम पे, यानी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 1100 रुपीज। 1000 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो टोटल कितना दे रहे हैं? 1100। क्लियर है ऑल टर्म्स? कोई डाउट किसी कैलकुलेशन में? फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। इंटरेस्ट वॉज 100, मेच्योरिटी वैल्यू 1100, कैश मिला 900, 5 साल का टाइम था, और नीचे फॉर्मूले में है आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। परसेंटेज में 280 कैसे आ सकता है बेटा?
क्या हुआ कैलकुलेटर धारियों? बोलो, चलाओ चलाओ कैलकुलेटर चला के देखो फटाफट। अरे क्या बात है, बधाई हो, आपके रिजल्ट आया है। चलो समझो कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर कैसे यूज। अरे भाई देखो इधर इधर देखो इधर देखो, पहले 1100 माइनस 900 कितना बचा? 200 डिवाइडेड 5 कितना हुआ? 40। ये लिख दिया मैंने, 100 प्लस 40। नीचे है 1100 प्लस 900 कितना हुआ? 2000। 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 1000। ये हो गया 1000। 140 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 कितना परसेंट होता है? 140 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 14%। 14% 14 इंटू 1 माइनस 0.3 9.8% इज द आंसर। आपके रिजल्ट हुआ है, मतलब आया है। ध्यान रखें प्लस का साइन। लॉजिक समझाऊं, 100 रुपये इंटरेस्ट हर साल दे रहे हो, मिले कितने थे कैश? 900 मिला था ना कैश, और 5 साल बाद वापस कितना करोगे? 1100। दो मिले थे 900 रुपये नेट प्रोसीड का, मतलब कैश कितना आया? रीपेमेंट कितना कर रहे हो? 1100। कितने रुपए ज्यादा दे रहे हो? 200 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। कितने साल के? 5 साल के। तो हर साल कितने रुपए एक्स्ट्रा गए? 40 रुपीज हर साल का एक्स्ट्रा पे किया है। हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट और 40 रुपए हर साल प्रीमियम वाला पोर्शन एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कॉस्ट 140 रुपए की हो गई। देखो आराम से, देखो 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 जल्दी से, कोई डाउट हो तो बोलो आराम से। कैलकुलेशन में कंफर्टेबल होइए पहले। बेटा मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल में कुछ चीजें डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाती हैं, ब्रैकेट्स मांगता है वो। चलो एनीवेज, क्लियर है ये? रिडीमेबल इररिडीमेबल दोनों पार्ट। एक लास्ट 2 मिनट का डिस्कशन और नहीं कर पाएंगे ना, काफी है आज के लिए, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं डालना है। बोलो बोलो, मन में नहीं रखने का। एक काम करो यार, रुको यार, अभी मिल जाएगी आपको फाइल। अरे अभी, ये अच्छा पॉइंट था। ओके गाइस, आज के लिए काफी है, बाय।